हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिविल सेक्शन फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। इसका जो टाइटल है पावर शेयरिंग, यही आपको कुछ मेंशन कर रहा है कि पावर को शेयर करना है, मतलब पावर क्या हो, बटा होना चाहिए। यह चैप्टर क्या मेंशन कर रहा है, बता रहा है आपको, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, पावर कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा है। पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में कंसंट्रेट ना हो, क्या हो, पावर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। तो गवर्नमेंट में जो पावर है, इसके पहले जो आप लोगों ने देखा, जो रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो उनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में, रूसो ने यह बोला कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पावर क्या है, सॉरी मॉन्टेस्क्यू के, मॉन्टेस्क्यू ने बोला पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। क्यों, कि अगर पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा तो वह मोनार्की हो जाएगा, वह अनकंट्रोल वर्क करेगा, वह अपने मर्जी से जो चाहेगा वो काम करेगा। तो यह चैप्टर क्या बता रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब इस चैप्टर को हम पढ़ने के लिए दो कंट्री का हम एग्जांपल लेते हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो पहले हम बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं पावर शेयरिंग को समझने के लिए, हम बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं कि बेल्जियम में कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो बेल्जियम एक कंट्री, यूरोप की एक कंट्री है बेल्जियम, जिसका जो नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री आपका इसका बेल्जियम की नेबरिंग कंट्री फ्रांस हो गई, इसकी नेबरिंग कंट्री फ्रांस, नीदरलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, एक यह भी है। इसकी नेबरिंग कंट्री है। हम एग्जाम्पल किसका लिए हैं, बेल्जियम का, क्या समझने के लिए, पावर शेयरिंग। हम पावर शेयरिंग को समझेंगे बेल्जियम, बेल्जियम के कॉन्टेक्ट में। क्या है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इसकी नेबरिंग कंट्री है, मतलब बेल्जियम के बॉर्डर में यह कंट्री जो है स्थित है। और बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन इसका काफी कॉम्प्लेक्स है, जो जाति संरचना है काफी कॉम्प्लेक्स है। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन के लोग हैं, लैंग्वेज उनकी अलग है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है पावर को लेकर है, पावर को लेकर। अब कुछ मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है, इसको हम समझते हैं। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 59% जो बेल्जियम के जितने भी लोग हैं, 59% इसके जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश ये किस रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज को बोलते हैं। अब इसके बाद 40% जो इसके लोग हैं बेल्जियम के, 40% जो है वोलोनिया में रहते हैं, ये लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, रिमेनिंग 1%, जो लोग हैं, या जो बेल्जियम पीपुल हैं, जो बेल्जियम में अलग अलग जो हैं, वो क्या बोलते हैं, ये जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, पावर बेल्जियम की जितनी भी पॉपुलेशन है, उस बेल्जियम की उस पॉपुलेशन में मेजॉरिटी लैंग्वेज क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद क्या है, 40% लोग जो है जो वेलोनिया में रहते हैं, ये रीजन है, ये यहां पे फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है। और 1% जो है, जो बेल्जियम पीपुल है, वो क्या है, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। अब पावर, अब इसके जो है एथनिक कंपोजिशन है, इसको समझेंगे तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी पावर शेयरिंग। और बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स,
इसकी जो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है बेल्जियम की, कैपिटल कंट्री है। अब यहां पे जो ब्रुसेल्स है, इस ब्रुसेल्स में जो 80% लोग जो है ब्रुसेल्स के, 80% जो लोग है या फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, और रिमेनिंग 20% जो लोग हैं ये क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम भी क्या है, अब यहां पे देखिए, यह जो इसकी कैपिटल है बेल्जियम की, जो कैपिटल यह है आपकी, यह जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, बेल्जियम में 80% क्या है फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और 20% क्या है जर्मन स्पीकिंग पर्सन है। अब ये पूरे हम बेल्जियम को देखते हैं, पूरे बेल्जियम में क्या है 59% जो है डच स्पीकिंग पर्सन है, और 40% क्या है फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या होती है, जो फ्रेंच लोग हैं ये काफी ये रिच हैं, पावरफुल हैं, यह पावरफुल पर्सन है, जो जितने भी सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट है, इन फ्रेंच लोगों का ज्यादा है और डच लोगों का कम है। अब यहां पे प्रश्न यह होता है कि जब फ्रेंच जो है पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है और कैपिटल में मेजॉरिटी में है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल में 80% जो फ्रेंच लोग रहते हैं और पूरे बेल्जियम कंट्री में क्या है 59% है, सॉरी 40% है, पूरे कंट्री में 40% है, कैपिटल सिटी में 80% है, ठीक, और जो डच है पूरे कैपिटल में 20% है, कंट्री में क्या है 59% है, तो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में हुए, मेजॉरिटी में हुए ना, और यह जो फ्रेंच है माइनॉरिटी में हुए। लेकिन यह बात, तो जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट है, जो एजुकेशनल लाइफ है, जितना भी सारा डेवलपमेंट है किसका हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन का, ठीक है, जो माइनॉरिटी में है उनका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, जो जर्मन जो डच स्पीकिंग पर्सन है उनका जो है विकास नहीं हुआ। तो अब जो डच वालों के बीच में प्रॉब्लम यही क्रिएट हुई कि यह डच वाले बोले कि जब फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन कम है, वो सारे रिसोर्सेज का यूज वही कर रहे हैं, यानी पूरा पावर उन्हीं के पास है और हमारे पास पावर नहीं है, तो क्लैशिंग का रीजन ये है कि जो डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में 1950 और 1960 की इन दो इस समय के बीच में ये इनके बीच में जो क्लैश हो गया, विवाद हो गया। तो यही अब विवाद क्या था, पावर को लेकर, पावर शेयरिंग, पावर जो है सब में बंटा होना चाहिए, क्लियर। तो यह हो गया, हम पावर शेयरिंग का दो एग्जांपल लेते हैं, बेल्जियम का हमने बताया आपको, तो पावर क्या है कि यानी माइनॉरिटी में होते हुए भी इनके पास ज्यादा पावर है, जो अदर पॉपुलेशन जो बस रही है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यही वहां पे जो क्लैश का जो रीजन था, जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही था कि माइनॉरिटी में होते हुए भी फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में थे, और क्या है, रिच थे, पावरफुल थे, एजुकेटेड थे, सारे संसाधनों का यूज यही करते थे, और यही जो डच स्पीकिंग पर्सन के लिए यही जो है कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था। तो इसी को लेकर पावर शेयरिंग हुई, तब यही वहां पर विवाद हो गया कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यह तो रहा आपका बेल्जियम का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा कि पावर जो है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं श्रीलंका का, श्रीलंका का लेते हैं एक एग्जाम्पल श्रीलंका का। अब यहां पे यानी कि हम क्या करेंगे, पावर शेयरिंग को इन दो कंट्री के इर्द गिर्द समझेंगे, यानी पावर शेयरिंग को समझना है तो हमने एग्जाम्पल दिया बेल्जियम का और श्रीलंका का,
अब श्रीलंका का एग्जांपल देखिए, तो श्रीलंका जो है वो भारत के जो साउथ में जो है, जो तमिलनाडु है वहां से कुछ दूरी पर स्थित है, एक कंट्री है श्रीलंका। और इसकी पॉपुलेशन जो है आपका, जो भारत का कोई स्टेट ले लीजिए, जो छोटा स्टेट है पंजाब हरियाणा, उसी के आसपास इसकी पॉपुलेशन थी उस समय। और जो बेल्जियम की पॉपुलेशन थी हरियाणा से भी कम थी। तो यह आजादी, अब श्रीलंका का हम देखते हैं, श्रीलंका में पावर शेयरिंग क्या है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ। तो श्रीलंका में जो ले वहां पे कंपोजिशन देख ली, श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन थे, सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन स्पीकर्स, ये कौन थे जो सिन्हाली लैंग्वेज को बोलते थे, इनकी जो इनका परसेंटेज था 74% सिन्हाला बोलते थे श्रीलंका में। और इसके बाद जो तमिल थे, तमिल स्पीकिंग पर्सन जो थे 18% थे, 18% जो तमिल थे। और इसके बाद जो तमिल का जो सब डिविजन था, यानी 18% जितने भी श्रीलंका के तमिल थे उनकी दो वैरायटी थी, दो कैटेगरी थी। 18% में जो श्रीलंकन जो तमिल थे, वहां के श्रीलंका के जो नेटिव थे, जो श्रीलंकन तमिल थे, वह क्या थे, वह 13% थे। ये श्रीलंकन तमिल थे। और इसके बाद जो इंडिया से गए थे वह 5% थे, यह इंडियन तमिल थे, इंडियन तमिल, यह क्या थे, श्रीलंकन तमिल थे। अब 5% कैसे गए, जब कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड में इंडेंचर लेबर होते थे, प्लांटेशन वर्क में काम करने के लिए लोग इस जगह से दूसरे जगह लोगों को भेज देते थे। तो जो इंडेंचर लेबर थे 5% जो थे वहीं पे थे। यह रहा श्रीलंका का। और इसके बाद यहां पे जो जितने भी सिन्हाली थे, सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन, अधिकांश जो सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन थे वह बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। और अधिकांश जो तमिल थे, 80% में मोस्ट ऑफ द तमिल, ठीक है, वो क्या थे, मोस्ट ऑफ द तमिल जो थे, मोस्ट ऑफ द तमिल जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के थे, ये सारी चीजें थी। और 30% श्रीलंकन तमिल थे और 5% जो इंडियन तमिल थे। तो अब जो वहां पे है जो तमिल थे, और यहां पे प्रॉब्लम थे, तो यह पावर मेजॉरिटी में लेने के बाद वहां पर भी यही कंडीशन हो गई, जो तमिल जो थे कंट्री में माइनॉरिटी में थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने सारे विल को, अपने सारे पावर को इनके ऊपर, इसलिए जो माइनॉरिटी सिन्हाली जो स्पीकिंग मेजॉरिटी में थे, या अपने सारे विल को, सारे अधिकार को, जो भी लाभ बनाते थे अपने बेनिफिट के लिए बनाते थे और इनके लिए नहीं सोचते। तो ये सारा जो पावर को लेके जो क्लैश जो हुआ था, यही कि बाकी जो जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी पर ये केयर नहीं करते थे, अपने सारे थॉट्स को, आइडियाज को, नियम को, लाभ को, सारा नियम जो है अपने बेनिफिट के लिए बनाते थे। और कंट्री की जो अदर पॉपुलेशन है उसके बारे में यह नहीं सोचते। तो यही क्लैश का रीजन था। तो पावर शेयरिंग का बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने बताया दो एग्जांपल लेके हम बताए, बेल्जियम का और श्रीलंका का। तो इसमें एक पॉइंट यह समझ में आया है निकलकर कि कंट्री के अंदर जो भी पॉपुलेशन है, जितने भी लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, सबका डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ होगा तो उस कंट्री में क्लैश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस कंट्री में क्या होगा, हमेशा राइट्स होते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, वो कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, सबको प्रॉपर एजुकेशन मिले, इन सारी चीजों के लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का मैटर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।